हाँ तो रोस्टो, इस वीडियो के अंदर हम मारुति इंटीरियर प्रोडक्ट के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और अगर आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये मैन्युफैक्चर करती है मॉड्यूलर किचन स्टोरेज सिस्टम को, उसके अलावा जो एल्युमिनियम लॉन्ग वार्डरोब हैंडल्स होते हैं और जो प्रोफाइल हैंडल्स होते हैं तो उन्हें ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो देखिए, जो अलमारी वगैरह होते हैं तो उसका जो पार्ट होता है जिसे हम होल्ड करके उसे ओपन करते हैं तो वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। उसके अलावा जो मॉड्यूलर किचन स्टोरेज सिस्टम्स होते हैं तो वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। तो देखिए, अभी कंपनी के दो ब्रांड थे, एक का नाम है एवरीडे किचन और एक का नाम है स्पाइस बाय एवरीडे। तो जो एवरीडे किचन है इसके अंदर जो किचन वाले प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये कंपनी बनाती है और जो वार्डरोब हैंडल और प्रोफाइल हैंडल करके जो प्रोडक्ट्स हैं ये स्पाइक बाय एवरीडे के अंदर ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को बनाने का काम करती है। तो देखिए, इनके खुद के ब्रांडेड प्रोडक्ट भी हैं लेकिन ये जो कंपनीज हैं गोदरेज, हैपेल इंडिया, कैफ अप्लायंसेज, वॉलमार्ट, होमलेन, लाइफ पेज और स्पेसवुड, ये जो कंपनीज हैं इनके लिए भी कंपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। तो ये जो था ये कंपनी का बिजनेस मॉडल था। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो ऑल ओवर इंडिया के अंदर है। तो अगर हम देखेंगे तो कंपनी अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट कस्टमर्स में भी बेचती है जो कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट के जो ये जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं तो यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट भी अवेलेबल हैं। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने एक कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे डेवलप किया है जिसका नाम है डू इट योरसेल्फ प्रोडक्ट, यानी कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसको वापिस इनबिल्ड करने का काम आपके खुद का है तो उसको बोला जाता है डू इट योरसेल्फ। तो अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 1 लाख स्क्वायर फीट की गुजरात के अंदर अगर हम देखेंगे तो उनकी इतनी बड़ी फैक्ट्री है। अगर अभी देखेंगे तो 300 से ज़्यादा भी उनके डीलर्स हैं और 25 से भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स उनके ऑल ओवर इंडिया के अंदर है। अगर हम देखेंगे तो उनके उगांडा यानी कि जो दूसरी कंट्री है वहाँ पर भी उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और उसके अलावा वो दूसरी कंपनी जो है ऑस्ट्रिया के अंदर जो कंपनीज हैं उनके साथ भी वो टाइप करने का सोच रहे हैं। अब यहाँ पे कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी कंपनी की काफ़ी अच्छी है क्योंकि 1 लाख स्क्वायर फीट का अगर आपका गुजरात के अंदर अगर हम देखेंगे अगर आपकी एक फैक्ट्री तो ये कोई छोटी बात नहीं है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इनकी जो टीम है वो काफ़ी एक्सपीरियंस है इस एरिया का, उन्हें काफ़ी एक्सपर्टाइज नज़र आता है और ऑनलाइन मार्केटिंग यानी कि प्रोडक्ट ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी कंपनी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है तो ये काफ़ी अच्छा मॉडल नज़र आता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इन्हें जो प्रोडक्ट ये बनाते हैं उसके इन्हें अवार्ड्स भी मिले और इनके प्रोडक्ट की एक वैल्यू भी है और ख़ास करके जो इनके बड़े क्लाइंट्स हैं गोदरेज, लाइफ पेज, वो भी काफ़ी अच्छा है और इनके जो एक्सपांशन प्लान थे वो काफ़ी एम्बिशियस है और ऐसा माना जाता है ऐसा मतलब जिस तरीके के इनके एक्सपांशन प्लान थे तो कंपनी काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो हो सकती है। अगर प्रमोटर्स की बात करेंगे तो प्रमोटर्स काफ़ी एक्सपीरियंस है और इनका जो एम्प्लॉई बेस है वो भी काफ़ी अच्छा वेल ट्रेंड है। अब यहाँ पर ये कंपनी आईपीओ लेकर क्यों आ रही है, तो कि यहाँ पे कंपनी को एक ऑटोमेटिक निकेल और क्रोम प्लेटिंग का जो प्लांट है वो कंपनी को सेटअप करना है। उसके अलावा जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसे कंपनी को फुलफिल करनी है। अगर अब हम यहाँ पे कंपनी के फिनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की बात करेंगे तो मिस्टर परेश पी लुनागरिया एंड पुरुषोत्तम आर लुनागरिया ये जो है ये कंपनी के प्रमोटर्स हैं। अगर हम रेवेन्यू बेस की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर पहले लगभग 18 करोड़ का रेवेन्यू था, फिर उसके बाद में ये ईयर में कोविड आ गया था तो रेवेन्यू के नंबर कम हो गए थे, लेकिन अभी 6 महीने में यहाँ पे 11 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट कर लिया तो लगभग 22 से 23 करोड़ का पूरे साल का रेवेन्यू हो सकता है। तो एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और 1.6 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने ऑलरेडी कमा लिया, तो लगभग 3 से 3.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी का इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है। तो ये हमने कंपनी के बारे में जाना था, अब हम कंपनी के आईपीओ के बारे में जानेंगे। तो देखिए 3 फरवरी को ये आईपीओ ओपन होगा, तो बजट के बाद में ये आईपीओ ओपन होगा।
तो यहाँ पे ₹10 का फेस वैल्यू है, तो फिक्स प्राइस है, यानी कि यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कोई कट ऑफ प्राइस है, कोई बीच वाला प्राइस है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ फिक्स प्राइस है। तो ₹55 में यहाँ पे आपको शेयर्स मिलने वाले हैं और 2000 शेयर्स का यहाँ पे लॉट है, तो एक लॉट का यहाँ पे 1,10,000 रुपये लगेगा। तो 11 करोड़ का ये IPO है और पूरा फ्रेश इशू है, तो यानी कि जो पूरा पैसा है वो यहाँ पे जो कंपनी के पास जाने वाला है, ना कि कंपनी के प्रमोटर्स के पास। तो अगर हम देखेंगे तो HNI अगर रिटेल कोटा के शेयर्स की अगर हम बात करेंगे तो उनके 9,50,000 शेयर्स यहाँ पे रिटेल कोटा के लिए है और HNI कोटा के लिए भी 9,50,000 शेयर्स यहाँ पर है। तो यानी कि 50-50% का रिटेल कोटा, 50-50% का कोटा में यहाँ पे नजर आता है। देखिए लगभग 8 फरवरी की क्लोजिंग डेट है, तो ये मान के चलिए कि लगभग उसके एक हफ्ते बाद यानी कि 14 से 15 तारीख के लगभग ये IPO में लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। तो देखिए यहाँ पर आप मिनिमम यहाँ पे रिटेल कोटा के अंदर 1 लॉटी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको 1,10,000 रुपये लगेंगे। अगर आपको 2 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन लगानी है तो आपको HNI कोटा में एप्लीकेशन लगानी होगी। तो देखिए यहाँ पर HDN इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो देखिए कंपनी तो काफ़ी अच्छी लग रही है, ये एज अ होल पूरी इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी लग रही है, तो एक प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से, एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो अप्लाई कीजिए, बाकी अगर आपको लिस्टिंग गेन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको देखना है तो मेरे ख्याल से 8 तारीख की इसकी क्लोजिंग डेट है, तो लगभग 7 फरवरी के लगभग अगर ये IPO 10 से 15 टाइम से ज़्यादा अगर सब्सक्राइब हो जाता है तो मेरे ख्याल से आपने यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। बाकी अगर 10 से 15 टाइम का सब्सक्रिप्शन अगर हमें देखने को नहीं मिलता है तो मेरे ख्याल से फ्रॉम लिस्टिंग एंड पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अवॉइड करना ही सही रहेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि मारुति इंटीरियर प्रोडक्ट के पूरे IPO के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।